हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप ओल्ड लेगिंग्स की हेल्प से एक ब्यूटीफुल डो मैट तैयार कर सकते हैं। ये मैट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेगिंग्स लेंगे एंड उसकी जो लेग ओपनिंग्स है उसे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम ओपन करेंगे एंड छोटे छोटे स्ट्रिंग्स कट कर लेंगे। जैसे कि हमें एक लेग में दो हिस्से की स्ट्रिंग्स कट करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड जितना लंबाई कट कर सकते हैं उतना हमें कट करनी होगी। फिर ऐसे ही मैंने सारे स्ट्रिंग्स कट कर लिया है लेगिंग्स की, आप देख सकते हैं। जब सारे स्ट्रिंग्स कट हो जाए हमें इन सारे स्ट्रिंग्स को जोड़ लेना होगा एंड एक बड़ी रस्सी की तरह ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सारे स्ट्रिंग्स को स्विंग मशीन की हेल्प से जोड़ लिया है। आप सुई धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन सब को जोड़ने के बाद मैंने ऐसा ही कुछ ब्लैक में भी एंड लाइट पिंक में भी बनाया था। अगर आपको चाहिए आप एक ही कलर में बना सकते हैं या और भी मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो अब इन सारी स्ट्रिंग्स की जो ओपनिंग्स हैं उन्हें मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के प्लेस करने के बाद हमें इसको एक के ऊपर एक रख कर वापस एक सिलाई मार देनी होगी ताकि तीनों एक साथ अटैच हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों एक साथ अटैच हो चुका है। अब इन सबको हमें लेकर एक अच्छे से नॉट बांध लेना होगा, जैसे कि हम एक चोटी जैसा बांधते हैं वैसे ही हमें इसे टाई कर लेना होगा। सो पूरे कपड़े पर हमें ऐसी ही चोटी बांध लेनी होगी बॉटम तक। जब हम बॉटम पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर भी एक सिलाई मार लेंगे ताकि हमारी चोटी निकले ना, एंड बचा हुआ जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमारा जो स्टार्टिंग ओपनिंग है चोटी का, वहाँ से हम कुछ इस तरह टर्न लेते हुए जाएंगे हमारे डोरमैट को एंड ऐसे ही टर्न करते रहेंगे सर्कुलर मोशन में। जब आप ऐसा रोल करते हुए एंड पोर्शन में पहुंचेंगे, वहाँ पर हम सुई धागा की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। हमें हर जगह पूरी गोलाई में सुई धागा की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना होगा ताकि ये प्लेस में रहे। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जिसे भी घर की वेस्ट चीज़ों को यूटिलाइज़ करना पसंद हो, DIY करना पसंद हो, उसे ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड, आप कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।